हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज मैं आपके साथ ऑप्शन चेन, कोई स्टॉक का जो ऑप्शन चेन होता है NSE का या फिर निफ्टी का जो ऑप्शन चेन होता है, उसके बेसिक थिंग्स के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो ये मैंने वेबसाइट पेज खोल के रखा है, जो कि NSE के वेबसाइट पर आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगा। उसको अगर आप गूगल पे या फिर याहू पे सर्च करते हैं NSE ऑप्शन चेन, तो डायरेक्टली आप ये पेज पे रूट कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद से आप टाइप करना चाहते हैं तो NSE इंडिया, उसके बाद यहाँ लाइव मार्केट में जाके और लाइव वॉच में से ऑप्शन चेन आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उससे रिलेटेड मेरा अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपके सामने दिख के आती है, वो ये लेफ्ट साइड में जो पार्ट है वो कॉल की सीरीज प्रेजेंट करता है, कॉल्स के स्ट्राइक्स का डेटा प्रेजेंट करता है, और जो राइट साइड में है वो पुट ऑप्शन का डेटा प्रेजेंट करता है, और सेंटर में ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। सेंटर में जो है वो 50-50 पॉइंट्स के डिस्टेंस से निफ्टी के स्ट्राइक्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और इसमें आपको चॉइसेस मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करते हैं व्यू ऑप्शंस फॉर, तो पहले निफ्टी, फिर निफ्टी आईटी, जिसके अंदर निफ्टी आईटी में अभी वीकली ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, मंथली है मगर उसमें ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। तो निफ्टी आईटी, बैंक निफ्टी में भी लिक्विडिटी है, जिसके अंदर वीकली ऑप्शन भी शुरू हो गए हैं, निफ्टी जिसके अंदर पहले से वीकली ऑप्शन है और निफ्टी में अभी शुरू हो गए हैं, निफ्टी मिड 50 के भी है मगर उसमें लिक्विडिटी वगैरह वो सब नहीं है। तो उसके बाद है यहाँ पे सर्च करके अगर आप कोई स्टॉक का नाम डालते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, तो वो स्टॉक की ऑप्शन चेन आपको सेम पैटर्न में यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद आप ऑप्शन चेन को डेट के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। ये पहला जो ऑप्शन है वो 14 मार्च 2019 का जो एक हफ्ते का ऑप्शन चेन है निफ्टी का, वो इंडिकेट करेगा उसका ऑप्शन चेन, फिर 20 मार्च वाला सेकेंड हफ्ते का, फिर तीसरे हफ्ते का, 28 मार्च का जो होगा वो वीकली जो मंथली ऑप्शन चेन है वो इंडिकेट करेगा। तो मैं मंथली डेटा को फ़िलहाल सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो ये मंथली ऑप्शन चेन ओपन हो गया है, और साथ में यहाँ पे जो अंडरलाइंग इंडेक्स है, जैसे निफ्टी आईटी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, तो उसके करंट वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ये। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये दिखा रहा है निफ्टी 11,035.40 पे है, जो कि 8 मार्च 2019 की वैल्यू है, और यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है। ये एक इम्पॉर्टेंट बटन है जो बहुत छोटा मट निगलेक्टेड बटन है, क्योंकि जो ऑप्शन चेन के वैल्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा फास्ट तो आपके ट्रेडिंग विंडो में अपडेट होते हैं, मतलब आप जो ब्रोकर से वगैरह ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे आपको लाइव वैल्यूज़ दिखते हैं, इसमें लाइव वैल्यूज़ फटाफट अपडेट नहीं होते। तो यहाँ पे आपको अगर हर बार वैल्यूज़ लेटेस्ट वैल्यू देखने हैं तो ये रिफ्रेश बटन पर क्लिक किया कीजिएगा, तो आपको लेटेस्ट वैल्यूज़ मिल जाएंगे। वैसे भी ये हर 1 मिनट और समथिंग कुछ अपडेट होता रहता है, मगर लेटेस्ट वैल्यूज़ के लिए रिफ्रेश पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली FI से भी कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इसके पॉइंट बाय पॉइंट वैल्यूज चेक करेंगे। सबसे पहला ये जो ग्रीन स्क्वायर है, ये इसका चार्ट इंडिकेट करता है। बहुत सारे लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि ऑप्शन चेन में ऑप्शन का जो डेली प्राइस वेरिएशन का ग्राफ है वो भी होता है। तो सेम ये कॉल के मोस्ट फर्स्ट कॉलम कॉल के ऑप्शन चेन का ग्राफ है, और राइट साइड में पुट का ऑप्शन चेन का ग्राफ है, जो कि पुट का डे का जो ऑप्शन का मूवमेंट है प्राइस वाइज वो इंडिकेट करता है। एक मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, तो ये ऐसे आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे ऑप्शन कलर का है भी होगा उसको इंडिकेट करता है। तो जैसे जैसे में थोड़ा सा स्ट्रेंथ जाती है, फिर कम हो जाती है, के लिए आप यूज कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट का है, तो यहाँ करके स्ट्राइक जो ओपन इंटरेस्ट है
कंफ्यूजन होता है कि ये वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस दूसरे बाय कॉन्ट्रैक्ट है तब ओपन इंटरेस्ट में एक क्वांटिटी मार्केट में ओपन कि मुझे बाय करना है कॉल ऑप्शन और दूसरे सेल किया तो वो हो गया एक। तो वैसे होता है ये ओपन इंटरेस्ट जो है ये जिसने बाय किया था वो अपनी पोजीशन, तो अगर दूसरा दूसरा एग्जिट करता है और बायर भी एग्जिट करता है तो हो सकती है, मगर ऐसा वॉल्यूम में नहीं होता है। वॉल्यूम सिर्फ ट्रेडेड क्वांटिटीज को काउंट करता है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है एक बायर सेलर से दूसरे बायर सेलर के इसमें शिफ्ट हो जाता है पैर में, तो वो वॉल्यूम में काउंट होता है। आई होप मैं आपको करेक्ट बता रहा हूँ। अगर मैं कुछ गलत हो रहा हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग गलत है, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। तो वो वॉल्यूम में काउंट होता है और वॉल्यूम कभी निगेटिव नहीं होता, ये कम नहीं होता, ये कंटिन्यू एड अप होते जाता है दिन भर। आप देख सकते हैं, अगर आप सुबह से शाम तक ऑब्जर्व करेंगे दोपहर तक, तो वॉल्यूम कंटिन्यू ऐड होते जाएगा। मगर ओपन इंटरेस्ट जैसे ही कोई जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो क्लोज आउट करती है ट्रांजैक्शन, तो ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है, जिसके हिसाब से बहुत सारे कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। अगर प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो वो पॉजिटिव इंडिकेटर ऐसे ट्रीट किया जाता है। या फिर अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और जो शेयर का प्राइस है या फिर कॉल का प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है, तो वो अलग कंक्लूजन डेड्यूस करता है। तो ऐसे चार पांच पर्टिकुलर ट्रेंड्स हैं जो हमें ओपन इंटरेस्ट के वेरिएशन से और प्राइस वेरिएशन से पता किए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा कॉल थर्ड कॉलम जो है वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। अगर ओपन इंटरेस्ट कम होता है कोई स्ट्राइक का, अब यहाँ पे ये दिखा रहा है 1,29,600, तो ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। उसके बाद ही जो दूसरा स्ट्राइक है 10,950 का, उसका ओपन इंटरेस्ट 13,000 से घट गया है। तो अगर ओपन इंटरेस्ट घट जाता है तो उसका एक अलग कंक्लूजन निकलता है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, और ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो उसका एक अलग मीनिंग निकलता है। तो ओवरऑल एक सिंपल मीनिंग हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जो स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, उसका मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑप्शन सेल कर रहे हैं, सेल साइड को पकड़ा जाता है। तो इसका मतलब जो सेलर्स के पास कॉन्फिडेंस है, मतलब वो समझ रहे कि ये जो स्ट्राइक है कॉल के अंदर ये ब्रीच नहीं होगा, इसके लिए वो पोजीशन वो सेल करके जा रहे हैं। मतलब 19 लाख यहाँ पे सेल हुआ, 18 लाख यहाँ पे, 16 लाख यहाँ पे। तो ये जो जोन है ये सेलर्स को लग रहा है कि ये ब्रीच नहीं होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट सेल करने में कंफर्ट फील कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा कंक्लूजन इससे निकाला जाता है जनरली। और सेम पुट के साइड में 33 लाख, 21 लाख, 27 लाख, 24 लाख, ये जोन में ज़्यादा सेलिंग है पुट ऑप्शन का। तो फिर उससे समझा जाता है कि उन्हें लग रहा है कि इसके नीचे निफ्टी ब्रीच नहीं करेगा या फिर क्रॉस नहीं करेगा। ऐसे अलग अलग कंक्लूजन हम ऑप्शन चेन से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आता है वॉल्यूम के बाद जो मैंने एक्सप्लेन किया, वो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जिसे IV कहा जाता है। अगर आप कर्सर रखते हैं तो वो भी एक्सप्लेन करता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। तो ये फिलहाल 11% दिखा रहा है, 11% 12% ऐसे रेंज में कॉल के लिए दिखा रहा है, और सेम 13% 14% 15% के रेंज में पुट के साइड में दिखा रहा है। एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन करना रह गया, ये जो येल्लो कलर के ऑप्शंस हैं वो इन द मनी ऑप्शंस कहे जाते हैं। तो लोअर साइड अपर साइड में कॉल के इन द मनी ऑप्शंस रहते हैं और लोअर साइड में पुट के इन द मनी ऑप्शंस रहते हैं। और जो ये ग्रे कलर या फिर थोड़ा सा ब्लूइश वाइट कलर के जो हैं कंपेयर टू येल्लो, तो ये आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस है और ये आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शंस हैं। तो जब ये एक फॉर्मूले से आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, जब निफ्टी 11,000 के आसपास चल रहा है तो उससे नीचे जितने भी कॉल ऑप्शन ट्रेड हो रहे हैं वो सब इन द मनी हो जाते हैं। और सेम अगर निफ्टी 11,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और उसके ऊपर के जितने भी पुट ऑप्शन है वो इन द मनी पुट ऑप्शन हो जाते हैं। दोनों हमेशा अपोजिट होते हैं, ये इन द मनी है तो ये इसका इन द मनी पुट ऑप्शन है। ओके, तो बैक टू इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ऑप्शन चेन में। अगर मार्केट में फियर है
इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक्चुअली एक बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले से डेड्यूस किया जाता है, तो फिर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कंटिन्यू चेंज होता रहता है। ये बेसिकली वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऑप्शन में कितनी वोलेटिलिटी है, ये पूरे ओवरऑल विक्स पे भी डिपेंड करता है। अगर जिस पे मैंने एक वीडियो बना के रखा है विक्स से रिलेटेड थिंग्स करके, तो अगर विक्स बढ़ जाता है तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी बढ़ता है। तो एक अगर पॉइंट भी इसके अंदर राइज होता है तो जनरल आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर वन टाइम्स टू टाइम्स ऐसे चेंजेस होने लगते हैं, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जो ऑप्शन का प्राइस है पर्टिकुलर स्ट्राइक का। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ट्रेडर्स या फिर जो पोजीशन लिए हुए लोग होते हैं, हेज करने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हायर जब वोलेटिलिटी हो तो ऑप्शन बाय करने से थोड़ा सा खुद को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो हायर प्राइज्ड ऑप्शंस रहते हैं। जब वोलेटिलिटी अचानक से कोई इवेंट है या फिर समझो इलेक्शन का रिजल्ट है या फिर कहीं कुछ सीरियस सिचुएशन चल रही है किसी बिजनेस से रिलेटेड, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वो डर में बाइंग सेलिंग की वजह से अचानक से शूट अप हो जाती है। अगर विक्स बढ़ जाती है तो भी ये बढ़ जाती है, या फिर मार्केट गिरने की फियर होगी तब भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो उसके वजह से ऑप्शन का प्राइस सडनली अचानक से बढ़ जाता है, जो कि उसकी नेचुरल सिंपल प्राइस नहीं होती है। तो वो नेचुरल प्राइस पे आने के लिए इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को स्टेबिलाइज होना या फिर कम होना ज़रूरी होता है, तो उतना वेट करना चाहिए। या फिर जो ट्रेडर है वो हाई वोलेटिलिटी पे सेल करके लो वोलेटिलिटी पे बाय कर सकते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ ट्रेड ऐसा हो सकता है जिसमें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को शॉर्ट किया जा सकता है। तो ये सेम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कॉल साइड में भी होती है और ये पुट साइड में भी आप देख सकते हैं, जो कि पुट साइड में फ़िलहाल ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट डिसाइसिव लेवल पे जब मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर रहा था तो 11,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि अपर एंड ऑफ द उसके रेंज के अपर साइड पे चल रहा था। तो वहाँ पे फियर था मार्केट गिरने का बहुत, तो उसके वजह से शायद इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पुट में बहुत बढ़ गया था, जिसके वजह से इनका प्राइस भी पुट का बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट कॉलम है एलटीपी, जिसे लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहा जाता है। वो उस स्ट्राइक का जो ऑप्शन है, 11,000 स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, वो 174.50 पे लास्ट ट्रेड हुआ था, तो उसका प्राइस यहाँ पे इंडिकेट करता है। और पूरे दिन में जब एक दिन रोल ओवर होकर दूसरे दिन मार्केट खुलता है तो उसके अंदर कितना प्राइस चेंज हुआ है, वो इस नेट चेंज इन लास्ट ट्रेडेड प्राइस कॉलम में आपको दिखाई पड़ता है। उसके बाद ये जो चार कॉलम है, ये बेसिकली ट्रेडिंग या फिर मार्केट रिलेटेड कॉलम है। मतलब ये स्ट्राइक के लिए कितने प्राइस पे कितने क्वांटिटी की डिमांड है। जैसे कि हम कोई भी शेयर में ट्रेड करते हैं तो उसके डिमांड और सप्लाई का जो प्राइस होता है वो उसके अंदर इंडिकेट करता है, तो वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि बिड क्वांटिटी यहाँ पे 375 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है और 173 उसका डिमांडिंग प्राइस है, और जो देने वाला है जो आस्क प्राइस है वो 174.95 है, और वो 1,500 लगभग क्वांटिटी देने के लिए तैयार है। तो ये दोनों जब मैच हो जाते हैं तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस वो हिसाब से अपडेट होता है और वो चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इसके हिसाब से इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम भी चेंजेस रिफ्लेक्ट करता है। तो ये पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और ओवरऑल जो ऑप्शन चेन है उसके बेसिक थिंग्स मैंने आपको बताए। ओके, तो इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो NSE की वेबसाइट पे हैं, वो मैं कवर करने की या फिर मेरा अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ मेरा डिस्क्लेमर रेफ़र कीजिए ये वीडियो को रेफ़र करने से पहले, जो कि वीडियो के नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। और साथ में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, 10% इंटरेस्ट रेट इज़ अप्लाइड व्हाइल कंप्यूटिंग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो जब भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का कैलकुलेशन किया जाता है, जो कि मैंने विक्स का जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मेरे वीडियोस में चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का फॉर्मूला दिखाया हुआ है, तो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट पकड़ा जाता है, जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है सिंपल कैलकुलेशन के लिए, कि क्या हिसाब से क्या जो कैलकुलेशन से या फिर जो रेट से ओवरऑल मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उनके नियरेस्ट एक इंटरेस्ट रेट पकड़ा जाता है कैलकुलेशन के लिए, तो वो इसमें 10% पकड़ा हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है हाईलाइटेड ऑप्शंस आर इन द मनी। ओके, बाकी तो ऑप्शन चेन में और फिलहाल तो बेसिक थिंग जो बताने जैसी इतनी ही थी, और डिटेल में इसका एनालिसिस करके हम कैसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो भी मैं मेरा अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, शेयर मार्केट फ्रेंड।